हेलो दोस्तों, केजी स्टडी में आपका स्वागत है। आज का नया टॉपिक RHIT एग्ज़ाम 2023 पेपर के आधार पर है। वीडियो को पूरा देखना। संपूर्ण जानकारी के साथ हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। आज का टॉपिक RHIT का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है वो बताना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विंडोज 7, पेज मेकर, नोट पैड, द फोटोशॉप। इसका करेक्ट आंसर विंडोज 7 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ब अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, स ए एवं बी, द उपरोक्तों में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर स है। इसका अ भी राइट है और बर भी राइट है। ऑपरेटिंग सिस्टम और अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर दोनों काम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है अ प्लॉटर, ब स्कैनर, स टेप, द सॉफ्टवेयर। इसका करेक्ट आंसर अ आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है अ बुद्धि का अभाव, ब स्पीड, स शुद्धता, द परिश्रम। इसका करेक्ट आंसर अ बुद्धि का अभाव कंप्यूटर का सिस्टम का एक सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है अ विंडोज 7, ब पेज मेकर, स नोट पैड, द फोटोशॉप। इसका करेक्ट आंसर अ विंडोज 7 सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 6, मैन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं, इस कथन का विकल्प सुने अ गलत, ब सही, स ए एवं बी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर अ गलत है, क्योंकि मैन फ्रेम कंप्यूटर बहुत महंगे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है मैक्स फ्रेम, ब मैन फ्रेम, द मिनी, स मिनी, द नोटबुक। इसका करेक्ट आंसर मैक्स फ्रेम कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। मैन फ्रेम, मिनी, नोटबुक, ये तीनों कंप्यूटर का वर्गीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है अ सुपर कंप्यूटर, ब मैन फ्रेम कंप्यूटर, स माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो कंप्यूटर, द वर्क स्टेशन। इसका करेक्ट आंसर सुपर कंप्यूटर को सबसे तेज कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 9, डेजी हिल प्रिंटर का एक प्रकार है अ इंपैक्ट प्रिंटर, ब मैट्रिक्स प्रिंटर, स लेजर प्रिंटर, द मैनुअल प्रिंटर। इसका करेक्ट आंसर अ इंपैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड में कई बार रिफ्रेश होती है अ डायनामिक रैम, ब स्टैटिक रोम, स ईपीरोम, द रोम। इसका करेक्ट आंसर डायनामिक रैम मेमोरी प्रति सेकंड में कई बार रिफ्रेश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रैम से अधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी उपयोग में ली जाती है कैश मेमोरी, ब मैन मेमोरी, स रजिस्टर, द रोम। इसका करेक्ट आंसर कैश मेमोरी को रैम में अधिक बार प्रयोग ले जाने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन और पढ़ता है OMR, ब पंचकार्ड रीडर, स सुंबक के टाइप, द ऑप्टिकल स्कैनर। इसका करेक्ट आंसर OMR शीट, जो लिखी हुई जानकारी को स्कैन और पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी अस्थाई मेमोरी है वो बतानी है रोम, रैम, ब रोम, सब रोम,
द इपीरोम, इसका करेक्ट आंसर रैम अस्थाई मेमोरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर उपयोग में आता है? लेजर प्रिंटर, ब डिजिटल प्रिंटर, सलाइन प्रिंटर, द थर्मल प्रिंटर। इसका करेक्ट आंसर अ लेजर प्रिंटर कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त प्रिंटर उपयोग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आपके कंप्यूटर में के कॉन्फिग्रेशन से क्या मतलब है? अ प्रोसेसर, विनिर्देश, ब मेमोरी क्षमता, स हार्ड डिस्क, द उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर अ प्रोसेसर विनिर्देश। क्वेश्चन नंबर 15, डीपीआई का विस्तृत रूप है? डॉट प्रति इंच, ब डॉट प्रति वर्ग इंच, स प्रति यूनिट समय, द उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होते हैं इनपुट आउटपुट उपकरण, ब मेमोरी उपकरण, स सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका करेक्ट आंसर इनपुट आउटपुट उपकरण शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से सूचना प्रणाली का भाग है? यूजर, वहाँ लोग, ब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, स डाटा प्रोसेसर, द उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है, कंपोनेंट नहीं वो बताना है। प्रिंटर, स्कैनर, व इनपुट और आउटपुट उपकरण, स प्राइम मेमोरी, सेकंड मेमोरी, द प्रोसीजर। इसका करेक्ट आंसर प्रिंटर और स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सॉफ्टवेयर का घटक है? अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ब मेमोरी में संग्रहित डाटा, स वेब एप्लीकेशन, द उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर द राइट है। कंप्यूटर प्रोग्राम, मेमोरी में संग्रहित डाटा, वेब एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर के घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कच्चे तत्वों जैसे वर्ण, शब्द, पिक्सर आदि को कहते हैं? और डाटा, ब प्रोग्राम, स यूजर्स की प्रतिक्रिया, द कमांड्स। इसका करेक्ट आंसर डाटा को कच्चे तत्व, वर्ण, शब्द, पिक्सर आदि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, डाटा को स्टोर करने के लिए फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? अ बाइनरी, ब डेसिबल, स हेक्सा डेसिबल, डेसिमल, द मेमोरी। इसका करेक्ट आंसर अ बाइनरी को डाटा स्टोर करने के लिए फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर की एक सीमा है? बुद्धि, मता, ब गति, सशुद्धता, द इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर अ बुद्धिमता कंप्यूटर की एक सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, पर्सनल कंप्यूटर का भाग है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ब मॉडर्न मेमोरी, स हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, द उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर द पर्सनल कंप्यूटर का भाग कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, मॉडर्न मेमोरी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सारे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? गणना के लिए, ब डिजाइन के लिए, स प्रकाशन के लिए, द उपरोक्त सभी के लिए। इसका करेक्ट आंसर द पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग गणना के लिए, डिजाइन के लिए, प्रकाशन के लिए काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आकार, भंडारण और क्षमता के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर का प्रकार है? कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ब माइक्रो कंप्यूटर, स एनालॉग कंप्यूटर, द उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी करेक्ट हैं। आकार और भंडारण क्षमता के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर,
माइक्रो कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर सारे उपयोग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है सिस्टम सॉफ्टवेयर व एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स वेब सर्वर द उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। सॉफ्टवेयर का प्रकार में सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेब सर्वर ये सारे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अंतरिक्ष विज्ञान एवं सैटेलाइट नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अ सुपर कंप्यूटर, ब मिनी कंप्यूटर, स माइक्रो कंप्यूटर, द इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर अ सुपर कंप्यूटर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, आज के समय कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। शिक्षा, अनुसंधान, ब प्रशासन, परिवहन, रेलवे, बैंक, स संसार, व्यापार, मनोरंजन, द उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, यूजर के बारे में संग्रहित करने वाली फाइलें कहलाती हैं। आ कुकीज, ब वेब फाइल, स वेबसाइट, द टेम्पलेट। इसका करेक्ट आंसर कुकीज यूजर के बारे में संग्रहित करने वाली फाइल कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन जाना जाता है। इसका बिल गेट्स, ब चार्ल्स बाबेज, वेस, स लेरी पेज, द लेडी लारा। इसका करेक्ट आंसर ब चार्ल्स बाबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, घर में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। सोशल मीडिया, ईमेल, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए, ब बच्चों के स्कूल से संबंधित होमवर्क, प्रोजेक्ट के लिए, स मनोरंजन, ज्ञान व खेलने के लिए, द उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर 31 का द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, व्यापार में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। स्मार्ट क्लासेस, ब रिसर्च वर्क प्रोजेक्ट, ऑनलाइन शिक्षा, द उपरोक्त सभी। व्यापार में कंप्यूटर का उपयोग उपरोक्त सभी में किया जाता है। स्मार्ट क्लासेस, रिसर्च वर्क प्रोजेक्ट, ऑनलाइन शिक्षा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। हॉस्पिटल प्रबंधन में, मेडिकल लैब व सर्जरी में, स डायग्नोस्टिक में, द उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कंप्यूटर सिस्टम संसार का माध्यम होता है। मदरबोर्ड, ब मेमोरी, स कीबोर्ड और माउस, द प्रोसेसर। इसका करेक्ट आंसर मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम संसार का माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, गणना से संबंधित कार्य किस क्षेत्र में किया जाते हैं। अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, ब सीपीयू, स डबल क्लिक, द उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर द उपरोक्त सभी गणना से संबंधित कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर डाटा में आई त्रुटि को कहा जाता है। कंप्यूटर में डाटा में आई त्रुटि को कहा जाता है। बंग, ब सेप, स स्पाइरल, द इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर बंग। आई कंप्यूटर डाटा में त्रुटि को बंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है जबकि एक निबल के बराबर होता है। इसका करेक्ट आंसर 4 बिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। विंडोज, ब मैक ओएस, स यूनिक्स, लिनक्स, द उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर द उपरोक्त सभी डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। नेक्स्ट है 39, ऑपरेटिंग सिस्टम एक है जो सिस्टम को मैनेज करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर,
द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सम मेमोरी, द यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर। इसका करेक्ट आंसर अ सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक है जो सिस्टम को मैनेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। कंप्यूटर को स्टार्ट एवं रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है। अ बुकिंग, ब लोडिंग, स स्टार्टिंग, द इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर अ बुकिंग, जो कंप्यूटर को स्टार्ट व रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। डेस्कटॉप बना होता है। अ बैकग्राउंड पिक्चर, ब टास्क बार, स आइकॉन शॉर्टकट, द उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर द उपरोक्त सभी, डेस्कटॉप बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। इंटरनेट नेटवर्क का नेटवर्क है जो आधार पर कार्य करता है। मानक संचार प्रोटोकॉल, ब क्लाइंट सर्वर मॉडल पर, स ए एवं बी, द इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर स है। मानक संचार प्रोटोकॉल, ब क्लाइंट सर्वर मॉडल पर इंटरनेट काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आवश्यक हैं। इंटरनेट सेवा प्रदाता, ब वेब ब्राउजर, स इंटरनेट कनेक्शन, द उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर द उपरोक्त सभी, इंटरनेट एक्सेस के लिए आवश्यक हैं। इंटरनेट सेवा प्रदाता, वेब ब्राउजर, इंटरनेट कनेक्शन, ये इंटरनेट एक्सेस के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवाएं हैं। इंटरनेट एक्सेस, ब वेब होस्टिंग, स डोमेन नेम सिस्टम, द उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर द उपरोक्त सभी हैं। जो इंटरनेट सेवा प्रदाता में इंटरनेट सेवाएं हैं, इंटरनेट एक्सेस और वेब होस्टिंग, डोमेन नेम सिस्टम, ये इंटरनेट के लिए हैं सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। बैंक अकाउंट का एक प्रकार है। सेविंग अकाउंट, ब करंट अकाउंट, स ए एवं बी, द इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर सेविंग अकाउंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46। जनधन योजना की शुरुआत कब की गई। 2014, ब 2004, स 2010, द 2005। इसका करेक्ट आंसर 2014 में जनधन योजना शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। राजस्थान सरकार द्वारा भामाशाह योजना की शुरुआत कब की गई थी। 2008, ब 2005, स 2003, द 2010। इसका करेक्ट आंसर 2008 में शुरू की गई थी भामाशाह योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। एक्सेल में जहां पॉइंटर उपस्थित हैं वहां सेल कहलाता है। एक्टिव सेल, ब एडिटिंग सेल, स सालू सेल, द डी एक्टिव सेल। इसका करेक्ट आंसर एक्टिव सेल करेक्ट आंसर है। 49 क्वेश्चन नंबर। एक्सेल वर्कबुक निम्न में से संयोजन से बनती हैं। वर्कशीट और शार्ट, ब वर्कबुक, स मेमोरी, द शार्ट। इसका करेक्ट आंसर वर्कशीट और शार्ट से एक्सेल वर्क बुक बनता है। क्वेश्चन नंबर 50। आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान में किस तिथि से लागू किया गया। 1 सितंबर 2019, ब 1 जनवरी 2019, स 30 दिसंबर 2018, द 1 फरवरी 2019। इसका करेक्ट आंसर 1 सितंबर 2019 को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई थी।